Hello ladies, welcome back to my channel Kokita's Corner. I hope you all are doing good. So आज की वीडियो होने वाली है कि how to style one skirt in 7 different ways. तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं. तो first of all मैंने यहाँ पे अपनी skirt ले ली है which is white in color और इस पर green color और pink color के जो है dotted वाले design बने हुए हैं. तो first of all मैं skirt को carry कर लेती हूँ और मेरी जो skirt है वो एक cotton fabric की है और इसमें काफ़ी ज़्यादा घेर भी है. तो I have chose this. तो फर्स्ट जो मैं स्टाइल करने वाली हूँ वो है एक शर्ट के साथ. तो मैंने यहाँ पे एक प्लेन ब्लैक कलर की शर्ट ली है और उसे कैरी कर लिया है. तो इस शर्ट को थोड़ा सा अलग लुक देने के लिए मैंने क्या किया है कि इसके कॉलर को अंदर की साइड फोल्ड कर लिया है जिससे कि इसका लुक थोड़ा सा अच्छा लगे. और जो इसकी स्लीव्स हैं इसको फोल्ड कर लिया है और उसको अपनी एल्बो के पास शिफ्ट कर दिया है. तो इससे भी अच्छा काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है. तो मैंने दोनों जो है दोनों अपनी स्लीव्स को इस तरह से स्टाइल कर लिया. इसके बाद क्योंकि एक मेन शर्ट है एक्चुअली मेरे भैया की शर्ट है तो इसको थोड़ा सा अलग लुक देने के लिए तो मैंने यहाँ पे नीचे किया है कि नोड लगाती है और इस शर्ट में एक नोड लगाती है. इसके बाद नोड इतना अच्छा लुक नहीं दे रही थी तो आई थॉट कि क्यों ना इसे अंदर की ओर फोल्ड कर लिया जाए. तो मैंने इसे पूरी शर्ट को राउंड करके अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया. अब ये काफ़ी अच्छा और डिफरेंट लुक दे रही है बिल्कुल शर्ट से बिल्कुल हट के. और इसके साथ मैंने कैरी किया एक लॉन्ग नेक पीस और साथ में एक बड़े बड़े से राउंड इयर रिंग्स. तो फिर ये रहा मेरा फर्स्ट लुक जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था. एक एथेनिक लुक भी दे रहा है साथ में एक वेस्टर्न लुक भी दे रहा है. तो मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, आप इसे फ्रेंड्स की पार्टी में पहन के जा सकते हो या फिर आपके घर पे कोई फंक्शन हो तो भी आप ये कैरी कर सकते हो. तो ये लुक भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. तो फॉर द सेकेंड लुक आई एम टेकिंग दिस कुर्ता जो कि मेरे ड्रेस से थोड़ा सा मैचिंग है, मेरी स्कर्ट से थोड़ा मैचिंग है. क्रीम कलर का है और इस पर पिंक और ग्रीन कलर के थोड़े से डिज़ाइन बने हुए हैं, पैटर्न बने हुए हैं जो थोड़ा सा मेरे बाद मैंने यहाँ पे कैरी किए हैं कुछ गोल्डन कलर के बैंगल्स एंड सम गोल्डन कलर के इयर रिंग्स. और ये भी काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है, इंडो वेस्टर्न टाइप लुक दे रहा है और थोड़ा सा हटके है, सूट से अलग है, प्लाजो से अलग है, शरारा से डिफरेंट है. तो ये लुक भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और अगर आप चाहें तो इसके साथ कैरी कर सकते हैं आप ब्यूटीफुल दुपट्टा, मैचिंग दुपट्टा जिसे अच्छा प्योर एथेनिक लुक आपको दे देगा. एंड फॉर द थर्ड लुक मैंने यहाँ पे लिया है एक मैचिंग पिंक और ग्रीनिश कलर का ब्लाउज जो कि थोड़ा सा मैच कर रहा था इसमें और अच्छा लग रहा था. और इसके साथ मैंने ऐड किया एक पिंक डार्क पिंक कलर का दुपट्टा लिया और इसे अटैच कर दिया अपने ब्लाउज के साथ. मेरे इस ब्लाउज में तो है मैंने स्ट्रिच करवाई है, अटैच कराई है ये बेल्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही. तो इस तरह से मैंने कैरी किया, गोल्डन कलर की बैंगल्स ले ली हैं और इसे बहुत अच्छा लुक दे रही थी. और अगर चाहें तो आप इसे थोड़ा डिफरेंट लुक देने के लिए जो बहुत ही ट्रेंडी स्टाइल है लहंगे में दुपट्टे को कैरी करने का, दैट इज़ शोल्डर देन बैक साइड टक कर लिया है मैंने और ये साइड से भी बहुत ब्यूटीफुल लुक दे रही है और पूरे लुक को एक पूरा लहंगे का लुक उसने दे दिया है. तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही शाइन कर रहा है और अच्छा सा एथेनिक लुक दे रहा है, एक पार्टी वेयर वेडिंग लुक दे रहा है. तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और इसके साथ मैंने ऐड किया है गोल्डन कलर का नेक पीस और सेम मैचिंग इयर रिंग्स विच वर लुकिंग ब्यूटिफुल और बहुत अच्छे से इसको सेट किया है इस स्कर्ट के साथ. दिस इज़ माई फेवरेट लुक जो मैंने सारे लुक क्रिएट किए थे उसमें से. एंड फॉर द नेक्स्ट लुक मैंने यहाँ पे अपनी स्कर्ट को थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट किया है. उसके बाद मैंने अपना जो ब्लाउज़ है इसे रिमूव करके उसके ऊपर श्रग पहन लिया है. ये अच्छा श्रग है, काफ़ी लॉन्ग है, इसमें लाइनिंग वाला डिज़ाइन है और ये फुल स्लीव का श्रग है. तो मैंने इसको वेयर किया, उसके बाद इसमें एक बेल्ट अटैच कर ली जिससे कि जो है स्टेबल रहे हमारा श्रग भी और स्कर्ट भी. तो ये पूरा एक वेस्टर्न लुक दे रहा था जो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसका फ्लेयर भी काफ़ी अच्छी तरीके से शो हो रहा था. इस वेस्टर्न लुक के बाद मैंने अपने श्रग को रिमूव करा और इसके रिप्लेस पे मैंने कैरी किया है एक रेड कलर का ब्लाउज़ जो कि गोल्डन एम्ब्रॉयडर्ड के साथ है और इसके साथ मैंने मैच किया अपना सेट.
जो कि सेम गोल्डन एंड रेड कलर के साथ था। तो मैंने इयररिंग और मांग टिका देन नेक पीस सारे ऐड किए और साथ में कुछ रेड और गोल्डन कलर के बैंगल्स भी ऐड करी। एक्चुअली मैंने ट्राई किया है एक अनारकली लुक और इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेयर आ रहा है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड ऑन किया सेम मैचिंग कलर का रेड एंड गोल्डन कलर का एक दुपट्टा और ये एक प्रॉपर वेडिंग वाइब दे रहा था, वेडिंग लुक दे रहा था जो कि अनारकली से ज़्यादा एक लहंगे का लुक दे रहा है। इस लुक ने स्कर्ट को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। इवन आई कांट जज कि एक स्कर्ट है, ये प्रॉपर एक ड्रेस लग रही है। और मैंने काफ़ी डिफरेंट तरीके से इसको दुपट्टे को लेने की ट्राई किया और सभी लुक में ये बहुत अच्छा दिख रहा था। सो आपको कौन सा लुक इन सब में से पसंद आया प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड like my video and share with your friends. Bye. See you in my next video.